हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब अपने अपने घरों पे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे. कर रहे हो या नहीं कर रहे कि बस वीडियोस थोड़ा बहुत देख लेते हो, हो जाता है उसी से काम. प्लीज अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस दो. तो चलिए आज अपन नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट आपकी थर्ड. ठीक है, यूनिट थर्ड जो है, देखिए उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है या सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है धान्य फसलें. देखो इको, जैसे मैंने बताया कि बुक का नाम है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम हम पढ़ चुके हैं. तो तीसरा जो पार्ट शुरू होता है वो इकोनॉमिक बॉटनी से शुरू होता है, मतलब आर्थिक वनस्पति विज्ञान से, कि जितनी भी आर्थिक महत्व के पादप है उनका किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है. तो सबसे पहले आते हैं आपकी धान्य फसलें या सीरियल प्लांट्स. धान्य सब लोग जानते हैं, धान्य फसलें मतलब ऐसे पादप या ऐसी फसलें या ऐसी आपके प्लांट्स जिनका उपयोग भोजन संबंधी सामग्री के रूप में किया जाता है. धान्य जैसे आपके गेहूं हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ, ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी होती है? धान्य फसलें होती है. अब धान्य फसलों का एक मुख्य कैरेक्टर ये होता है कि धान्य फसलों में एक फल पाया जाता है, उसको बोलते हैं फल कैरियोसिस. जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का का जो प्लांट्स है उसका जो फल है, मतलब जो गेहूं का दाना है वो ही उसका फल है, चावल का दाना है या मक्के का दाना है, तो उस फल को या उस दाने को अपन क्या बोलते हैं? कैरियोसिस. अब कैरियोसिस का मतलब क्या होता है? ऐसे फल जिनकी फल भित्ति उनके बीज आवरण, मतलब बीजों का बाह्यतम आवरण या बीजों की सबसे बाह्यतम परत के साथ संयुक्त में रहता है. मतलब आप उस फल को देखकर ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर फल भित्ति कौन सी है और बीज का आवरण कौन सा, क्योंकि वहां पर फल भित्ति और बीज आवरण एक दूसरे के क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं, संयुक्त रहते हैं. ऐसे फल को अपन क्या बोलते हैं? कैरियोसिस बोलते हैं. ठीक है, साथ ही ये जो फल होते हैं वो एकल बीजांड युक्त अंडाशय से क्या होते हैं? विकसित होते हैं. मतलब इनके अंडाशय में केवल एक ही बीजांड पाया जाता है, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक मेन पॉइंट आपको क्या पढ़ना था कि सीरियल प्लांट्स हैं जो धान्य फसलें हैं उनमें कौन से फल पाए जाते हैं? कैरियोसिस. कैरियोसिस का मतलब ऐसे फल जिनकी फल भित्ति उनके बीज आवरण के साथ अटैच रहती है. ये हमेशा क्वेश्चन आता है, याद रखना. उसके बाद आता है, देखिए धान्य फसलें दो प्रकार की होती हैं, सत्य धान्य फसलें और एक होती है आपकी कूट धान्य फसलें या असत्य धान्य फसलें. क्या होती है सत्य धान्य फसलें? मतलब ऐसे पादप, देखिए जितने भी सीरियल प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? आपके एक बीज पत्री होते हैं, मोनोकोट होते हैं. ठीक है, एक बीज पत्री मतलब ऐसे पादप जिसमें एक बीज पत्र पाया जाता है. साथ ही ये कूट धान्य फसलें कौन से कुल में आती है? पोएसी कुल के अंदर आती है. आपकी जो तीसरी बुक है टैक्सोनॉमी, उसमें सारे कुलों के बारे में है. आपका सोलेनेसी, मालवेसी, पोएसी, फैबेसी का दूसरा नाम लेग्यूमिनेसी, इन सबके कुल के बारे में उस बुक में डिटेल में है. ठीक है, तो ये याद रखना कि सत्य धान्य फसलें कैसी होती है? एक बीज पत्री प्लांट्स होते हैं और साथ ही ये कौन से कुल के अंतर्गत आते हैं? आपके पोएसी कुल के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का. गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, चावल ओराइजा सेटाइवा, मक्का जियामेस, इन सबके बॉटनिकल नेम अपन पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे. जौ हुआ आपका, ठीक है, बाजरा हुआ. उसके बाद आती है कूट धान्य फसलें या ऐसी धान्य फसलें जो कि सत्य धान्य फसलों की तरह दिखती है, काम करती है, लेकिन असल में सत्य धान्य फसलें नहीं होती. मतलब कुछ ऐसे द्विबीजपत्री पादप, देखो मैंने बताया था कि सत्य धान्य कैसी होती है, हमेशा मोनोकोट, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री पादप भी क्या करते हैं? इवन मोनोकोट प्लांट के समान ही क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं. उन्हें कौन सी धान्य कहते हैं? अपन कूट धान्य फसलें कहा जाता है. जैसे कि आपका कुट्टू, ठीक है, और एक आपका आ गया ये सिंघाड़ा. ठीक है, तो कुट्टू और सिंघाड़ा सबने खाया हुआ, कूटे का आटा जो फास्टिंग के दौरान अपन खाते हैं, कुट्टू हुआ, सिंघाड़ा हुआ. तो दो प्रकार की धान्य फसलें होती हैं, कौन कौन सी? सत्य धान्य फसलें और दूसरी आपकी कूट धान्य फसलें. आगे देखिए, अब सबसे पहला हम जो धान्य फसल से स्टार्ट करते हैं वो है आपकी चावल. देखो अब ये वो कंडीशन है जहां पर सारे के सारे
प्लांट्स के बॉटनिकल नाम या वानस्पतिक नाम आना स्टार्ट हो चुका। मतलब अब जितने भी प्लांट्स आएंगे उनके बॉटनिकल नेम और उनके कुल का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि हमेशा पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि चावल का वानस्पतिक नाम बताइए, गेहूं का वानस्पतिक नाम बताइए, सरसों का वानस्पतिक नाम बताइए। तो जितने भी प्लांट्स के बारे में मैं आपको बॉटनिकल नेम और कुल लिखवाऊंगी वो सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब ये मत सोचना कि मैं इतने टक टक नाम याद कैसे होंगे, इनको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे रोज अपने रूटीन में लाएंगे। देखिए रूटीन में बोलना स्टार्ट कीजिए, घर में आप मान लीजिए चावल खा रहे हैं तो चावल खाते खाते आपको याद आना चाहिए कि चावल का बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो कई बार मम्मी से भी बोलते हैं, मम्मी और ऐसे सिटाई में बना दो, तो एक बार तो मम्मी तुम्हें शायद थप्पड़ भी मार दे कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो कि तुम तो चावल के बारे में बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी को थोड़ी पता है कि तुम चावल के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब से हम बॉटनिकल नेम याद करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बात भी बॉटनिकल नेम में किया करेंगे जितने भी प्लांट्स हैं। जैसे चावल, चावल का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है याद कर लो, चावल का बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा। और ये कौन से कुल के अंतर्गत आता है? पोएसी कुल के अंदर। साथ ही कुल के अंदर एक उपकुल भी होता है या सब फैमिली बोलते हैं इसको, वो है इसकी ओराइजिनी। ये याद हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चावल का बॉटनिकल नेम क्या हो गया? ओराइजा सेटाइवा। और कुल क्या हो गया इसका? पोएसी। ठीक है, अब देखते हैं उत्पत्ति। चावल की जो उत्पत्ति है वो मोस्टली कहां से मानी जाती है? आपके एशिया से मानी जाती है। और चावल के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? आपके प्रथम स्थान पर। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके वानस्पतिक लक्षण। यहां देखिए मैंने एक चावल का दाना बनाया है, इसे चावल का दाना जैसा दिख नहीं रहा है पर आप समझ लीजिए चावल का दाना। अब देखिए चावल के दाने में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। दाना है ये, बीज हो गया, बीज के अंदर फल भित्ति जो है वो इसके बीज आवरण के साथ अटैच है। साथ ही एक बीज पत्री है तो इनमें कितने बीज पत्र मिलेंगे? एक बीज पत्र मिलेगा। ठीक है, और इनका एक बीज पत्र बहुत ज्यादा ग्रासित होता है, रिड्यूस्ड होता है। साथ ही जो एक बीज पत्री पादप होते हैं उनमें मुख्यतः भोज्य पदार्थ का संचयन भ्रूण कोश में पाया जाता है। भ्रूण कोश मतलब एंडोस्पर्म। ठीक है, जो एंडोस्पर्म वो भाग है जो विकसित हो रहे भ्रूण को क्या देता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही देखिए ये जो दाने हैं उसके बाहर एक भूरे रंग का आवरण पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? भूसा। भूसा या इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं? हस्क। ठीक है, साथ ही इसका जो एंडोस्पर्म होता है उसके चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी हुई होती है उसको कौन सी लेयर बोलते हैं? एग्यूनल परत। तो याद रखना एक बीज पत्री पादपों में एक बीज पत्र जो है वो निरासित होता है और भ्रूण कोश के चारों तरफ जो परत पाई जाती है जो लेयर मिलती है उसको कौन सी परत बोलते हैं? एग्यूनल परत, जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, तो जितने भी देखिए जो चावल है उसमें वानस्पतिक लक्षण क्या होते हैं कि इसका पादप कैसा होता है? अल्पजीवी होता है। अल्पजीवी का मतलब है ये वार्षिक प्लांट्स होते हैं जो कि एक वर्ष के अंदर अपना लाइफ साइकिल क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। एक वर्ष के अंदर इनमें वृद्धि होती है, विकास होता है, नया बीज बनता है, एक साल में फसल इनकी तैयार हो जाती है। ठीक है, अल्पजीवी प्लांट्स होते हैं मोस्टली शाकीय प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, जिनकी लेंथ कम होती है, लगभग 60 से 150 सेंटीमीटर होती है। प्लांट्स कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, जिनको फसल को तैयार होने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं अपन इनकी जड़ें। तो जड़ अपन जब देखते हैं तो इनमें कैसी जड़ें पाई जाती हैं? अपस्थानिक जड़ें। देखो दो तरीके की जड़ें होती है, एक होती है मूसला मूल, एक होती है अपस्थानिक मूल। अब मूसला मूल क्या होती है? जब बीज के भ्रूण में पाए जाने वाले बीजांकुर, एक देखिए दो, एक होता है प्रांकुर, एक होता है मूल, सॉरी बीजांकुर नहीं मूलांकुर। भ्रूण में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होती है प्रांकुर, एक होता है मूलांकुर। तो जैसे ही बीज के बीज जब प्रस्फुटित होता है तो सबसे पहले कौन बाहर आता है? ये भ्रूण बाहर आता है। और भ्रूण का भी कौन सा भाग पहले बाहर आता है? मूलांकुर भाग। ठीक है, तो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होने वाली मूल प्राथमिक मूल कहलाती है, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों मूल आपस में मिलकर कौन सा मूल तंत्र बनाती है? आपका मूसला मूल तंत्र। याद रखना, जो कि हमेशा द्विबीजपत्री पादपों में मिलता है ना कि एक बीजपत्री पादप। लेकिन कई बार कुछ प्लांट्स में ये जो मूसला मूल होती है वो अपरासित हो जाती है, तो पादप की निचली पर्व संधियों से जो
अपस्थानिक जड़, जो कि किसमें मिलती है, एक बीज पत्री पादपों में। ठीक है, तो वानस्पतिक लक्षणों में क्या हो गया कि एक जीवी होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, अल्पजीवी होते हैं, साथ ही अपना एक बीजपत्री प्लांट्स होते हैं, और जड़ें कैसी होती हैं, अपस्थानिक होती हैं, जो निचली पर्व संधियों से निकलती हैं। तना इनका कैसा मिलता है, दुर्बल एवं खोखला होता है, ये भी याद रखना, हॉलो या खोखला तना पाया जाता है इसमें, जिसको क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलम या तना किसे कहते हैं, ऐसा तना जो दुर्बल होता है, कमजोर होता है, कैसा होता है, खोखला होता है। साथ ही इसके पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, मतलब मोस्टली द्विलिंगी का मतलब है कि नरलिंग सॉरी आपका मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए और आगे, अपन जब यहाँ पर चावल का जो दाना है, यदि इस भूसा मतलब इसकी बाहर की जो ये भूरे रंग का आवरण है, उसके साथ यदि चावल के दाने को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए तो उसको अपन धान बोलते हैं। धान मतलब पहले, तो धान का मतलब क्या है, भूसे सहित चावल के दाने को ही अपन क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं। ठीक है, साथ ही जो चावल का प्लांट्स होता है उसमें लाइसिन की मात्रा अधिक होती है, अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो ये चावल की कुछ वानस्पतिक लक्षण थे कि अल्पजीवी होता है, एक वर्षीय पादप होता है, द्विलिंगी होता है, एल्यूरोन की परत पाई जाती है, तना खोखला और दुर्बल होता है जिसको कलम कहते हैं, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, और भूसे सहित चावल के दाने को क्या बोलते हैं, अपन पैड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चावल के वानस्पतिक लक्षण थे। मेन तो क्या है, इसका बॉटनिकल नाम ओराइजा सैटाइवा, और फैमिली कौन सी हो गई आपकी, पोएसी। आगे देखिए, वानस्पतिक लक्षण के बाद आता है चावल की खेती। देखिए चावल की खेती दो तरीके की चावल होता है खेती के आधार पर, एक होता है ऊपरी भूमि चावल और एक होता है निम्न भूमि चावल। ठीक है, तो ऊपरी भूमि चावल वो चावल होते हैं, मतलब ऐसे चावल जिनको बोने के लिए जो खेत होता है वो पूरा पानी से भरे होने की आवश्यकता नहीं होती, और जिन स्थानों पर ये ऊपरी भूमि चावल पाया जाता है वहां वर्षा लगभग कितनी होनी चाहिए, 60 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा आता है निम्न भूमि चावल, ऐसे चावल जिनको बोने के लिए या जिनकी फसल को तैयार करने के लिए हमें पानी से भरे हुए खेत की क्या होती है, जरूरत होती है। मतलब ये जो चावल के दाने हैं जो हमको मतलब जो नई फसल बनानी है, वो जो खेत होता है वो पानी से पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, और जिन स्थानों पर ये चावल उगते हैं वहां वर्षा लगभग कितनी होनी चाहिए, 180 से 240 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चावल की खेती के लिए जलवायु की हमें कौन कौन सी जलवायु चाहिए। तो चावल की खेती के लिए जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना चाहिए, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बारिश की बात आती है तो ऊपरी भूमि चावल के लिए तो कितना पानी चाहिए, 60 से 120, और निम्न भूमि चावल के लिए कितना चाहिए, 180 से 240। लगभग पीएच कितनी चाहिए होती है, 5 से 8.5, और कौन सी मृदा चाहिए आपकी, चिकनी दोमट मृदा। ठीक है, उसके बाद आता है चावल का रासायनिक संगठन, मतलब कौन कौन से रासायनिक सामग्री उसमें मिलती है। तो सबसे पहला आता है पानी, पानी इसमें मिलता है 12.5%, 12.5, प्रोटीन भी इसमें 12.5, लिपिड मिलता है 1.8%, और सबसे ज्यादा मिलता है आपका स्टार्च। देखो चावल हुआ, गेहूं हुआ, उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, स्टार्च की, वो लगभग क्या कितना मिलता है, 71.7%। तो यहाँ 71.7% क्या पाया जाता है, स्टार्च। और चावल में मोस्टली जो विटामिन मिलता है उसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो लाइसिन हो गया, लाइसिन अमीनो अम्ल है, और साथ ही कौन सा विटामिन मिलता है, राइबोफ्लेविन। तो ये चावल की जलवायु और रासायनिक संगठन थे। देखिए वर्षा याद होनी चाहिए आपको कि ऊपरी भूमि चावल के लिए कितनी बारिश चाहिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स लाइक क्वेश्चन है, और निम्न भूमि चावल के लिए हमको कितनी बारिश चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका चावल की किस्म। देखिए चावल की कौन कौन सी वैरायटी पाई जाती है, एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल IRRI, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कहां पर है, फिलीपींस में। ये हमेशा मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता है छोटे नंबर का कि IRRI की फुल फॉर्म क्या है। तो IRRI एक चावल से या चावल की खेती से रिलेटेड एक ऐसी इंस्टीट्यूट है
चावल की नई उन्नत किस्में बनाने में क्या रहती है, अग्रसर रहती है, जो कहां पे मौजूद है आपकी, फिलीपींस में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आता है, दो नंबर का क्वेश्चन आ गया कि चावल की किन्हीं तीन किस्मों के बारे में नाम लिखिए, केवल नाम आते चावल की किन्हीं तीन किस्मों के नाम लिखिए, तो आपको सब सारे जितने भी खाद्य ब्रांड्स में पढ़ाऊंगी उन सबके आपको क्या याद होने चाहिए, उनकी स्पीसीज या उनकी किस्म के नाम याद होने चाहिए। जैसे कि देखिए कृष्णा, जया, पद्मा, रत्ना, IR8 या IR20, ये सब क्या है आपकी चावल की किस्म है। ठीक है, अब आते हैं अपन चावल के उपयोग में, चावल को कैसे कैसे कहाँ कहाँ खाने में काम में लिया जाए। हम सबको पता है कि चावल को अनाज के रूप में, मतलब चावल को उबाल कर, ठीक है, पोहे के, गुलाब के रूप में खाया जाता है, सफेद चावल के रूप में खाया जाता है। फिर आता है मुरमुरा, ठीक है, मुरमुरे के रूप में इसमें क्या होता है कि चावल जो होता है, भीगे हुआ जो धान होता है, उसको भाड़ में क्या किया जाता है, भूना जाता है, तो भाड़ में भूनने पर वो क्या होता है, फूल जाता है, तो फूल कर वो किसमें परिवर्तित हो जाता है आपके, मुरमुरे में। तो जो मुरमुरा है आपका, जो भेलपुरी बनती है, भेल भी बोल सकते हैं, तो भेल किससे बनती है, या जो मुरमुरा होता है वो किससे बनता है, चावल के दाने से। इसमें क्या करते हैं, चावल को लेकर भाड़ में बजरी के साथ क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर भुना जाता है, तो वो फूल जाता है, ठीक है, और वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, मुरमुरा। दूसरा आता है खीर। खीर क्या होती है, जो भीगा हुआ धान होता है, भीगे हुए धान को जब भाड़ में भुना जाता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाती है आपकी, खीर। ऐसे ही पोहे, सब लोगों ने खाए पोहे। पोहे क्या होते हैं, उबले हुए चावल को यदि दबा दिया जाता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, पोहे। ठीक है, अनाज के रूप में हमें पता है गुलाब के रूप में, सफेद चावल के रूप में। अब एक मेन इंपॉर्टेंट आता है चावल की स्ट्रॉ, मतलब चावल का जो भूसा होता है या उसका जो भूरे रंग का बाहरी आवरण है उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, जिसका उपयोग क्राफ्ट सामग्री या आपकी सजावटी सामग्री बनाने में किया जाए। ये जो चावल की स्ट्रॉ होती है इसको चोकर भी कहा जाता है। इसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, कीटनाशी गुण पाए जाते हैं, और कीटनाशी गुण पाए जाने के कारण इसका उपयोग प्रसाधन सामग्री या कॉस्मेटिक्स जो आइटम्स होते हैं उनको बनाने में किया जाए। तो ये चावल का एक पूरा डिस्क्रिप्शन था, क्या क्या आया पढ़ा हमने चावल के में। धान्य फसलें पढ़ी हमने कि जो धान, देखिए धान्य फसलें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी धान्य फसलें होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, फैट, स्टार्च, विटामिन्स, इन सबकी मात्रा बहुत अधिक होती है, जो एक पर्सन की रिक्वायरमेंट को या बॉडी रिक्वायरमेंट को क्या करती है, फुलफिल करती है। इसलिए हम धान्य फसलों को अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो चावल हमने पढ़ा, उसका बॉटनिकल नेम क्या था, ओराइजा सेटाइवा, फैमिली हो गई उसकी कौन सी थी, पोएसी, उपकुल था उसका ओराइजिनी, ठीक है, एशिया से उसकी उत्पत्ति हुई थी, उनके वानस्पतिक लक्षण ये थे, एक वर्षीय पादप था, अल्पजीवी था, जड़े अपस्थानिक जड़े थी, तना कोमल था, दुर्बल था, जिसको कल्म कहते हैं, ठीक है, पुष्प द्विलिंगी था, चावल की ये कुछ किस्म हो गई, चावल दो तरीके के चावल हो गए, ऊपरी भूमि चावल, निम्न भूमि चावल, और ये चावल के क्या हो गए आपके उपयोग। ठीक है,